हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर से एलिमिनेट होने के बाद टीना दत्ता ने अपने एक्सक्लूसिव बहुत ही शानदार इंटरव्यूज दिए, जहां उन्होंने घर वालों की सच्चाई बताई, हर एक कॉन्टेस्टेंट के बारे में बड़े ही डिटेल से बातें की। लेकिन दोस्तों, फैंस तो तब हैरान हो गए जब टीना दत्ता के सुर अचानक से सुम्बुल तौकीर खान के लिए बदल गए और भर भर के उन्होंने शालीन के लिए जहर उगला। हालांकि शालीन के लिए बुरा कहना तो लाजमी था, क्योंकि आखिरी दिनों में लड़ाई जो हो गई थी, मगर सुम्बुल के लिए अचानक से टीना के सुर कैसे बदल गए? सबको लगा कि शालीन और सुम्बुल दोनों से ही तो पंगा पड़ा हुआ है यहाँ पे टीना दत्ता का, तो शायद बाहर आके टीना सुम्बुल और शालीन दोनों के लिए ही कुछ गलत ही बोलेंगी या फिर उनका नेगेटिव एरिया ही पॉइंट आउट करेंगी। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी हैरानी हुई जब टीना बाहर आई और उन्होंने सुम्बुल तौकीर खान के लिए भर भर के तारीफें की। सुम्बुल को बताया कि वो एक इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए। सुम्बुल जो 19 साल की उम्र में बिग बॉस के घर के अंदर आ गई। बिग बॉस सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, और वहाँ 19 साल की एक लड़की अपना पहला टेलीविजन शो करते ही पहुँच गई, जहाँ आने के लिए इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डरते हैं और मौके की तलाश करते हैं। ऐसे में सुम्बुल ने बेहतरीन खेला और वो मेरे से आगे वहाँ है, यानी कि वो मुझसे बेहतर है। सुम्बुल ने हर बार नॉमिनेट होने का रिकॉर्ड बना लिया है बिग बॉस की हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी वो फिनाले की रेस में टिकी हुई है। ये सुम्बुल के लिए और हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वहीं सुम्बुल को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि सुम्बुल को शालीन भनोट ने बहुत भटकाया। मैं खुद सुम्बुल को गलत समझने लगी थी, लेकिन जब शालीन का असली चेहरा मेरे सामने आया, तब मैं समझी कि सुम्बुल किस दर्द से गुजरी होगी। शालीन ने बहुत ड्रामा किया, हर बार अपने आप को विक्टिम बनाया और हम दोनों को ही यूज किया। शालीन घर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो जब बाहर आएगा तब उसे पता चलेगा कि वो असलियत में क्या है, वो कितना इरिटेटिंग है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। उसे एंगर इश्यूज है जो मुझे अब पता चल रहे हैं, जो उसने अपने पास्ट में जो कुछ किया है, तो ये मेरे लिए बहुत अनसेफ हो जाता कि अगर मैं बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ उसकी कुछ अच्छाई देखकर बिग बॉस के घर के अंदर ये फैसला कर लेती कि मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ शालीन के साथ बिताऊंगी। इसीलिए मैं हमेशा डरती रही और मेरी इमेज को गलत दिखाया गया। क्या कहेंगे आप? हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।